Nova because a lot of being, you know, sunrise also crying, you have to go. Oh, damn. Yeah. Oh, thanks to my husband. Okay, yeah, you're leaving. I'm leaving. दिख नहीं रहे, दो मिनट पहले। अरे खजूर गए, खत्म हो गया, हम लोग बचा के आप लोग ने खाया। नहीं वहाँ पे, क्योंकि अभी सना भी करके रोए जा रही है, वो दो बार मेरी मदर लॉ का फोन आ चुका है, कब आ रहे हो, कब आ रहे हो, कब आ रहे हो। यस, चल ओके। सो विजुअल के लिए आप दोनों एक दूसरे को मिला लीजिए। ये किसका आइडिया था? थैंक यू केशव, गॉड ब्लेस यू फॉर दिस। किसका था? किसका आइडिया? देखो हाथ पर दुख गया अभी। चलो सुबह क्या कहना चाहेंगे? तो दरअसल मैं किसी भी सेट पे रहूं, मैं हर बार एक जनरली 26वां रोजा रहता है जो, एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम संदीपा। थैंक यू सो मच एंड ईद मुबारक। नहीं नहीं, आई कैन नॉट। पर यहां से कहां जा रहे, कौन से एरिया जा रहे? ये निकाल दो, मैं चलेगा रवि। काफी स्पेशल इफ्तारी रखी लोगों के लिए, क्या कुछ कहना चाहोगे आज की इफ्तारी कितनी स्पेशल आपके लिए? तो मैं जैसा कि कुछ देर पहले भी कह रही थी कि हर सेट पे मैं एक रोज़ा अपनी तरफ से देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि सबके साथ सेलिब्रेट करूँ। पर कोइंसिडेंट याद ऐसा हुआ कि ना तो आज मेरा शूट था और ना ही मेरे साथ सारे बड़े अच्छे लगते हैं कि मेंबर्स हैं, तो पता नहीं। अच्छी बात यह है कि मेरे साथ आज संदीप है, तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि आज इफ्तारी के दिन वो मेरे साथ है। लेकिन ये एक मेरा तरीका है टू जस्ट be among the set people, to have that love, to share that love, and ek show ki tarah, ek unit ki tarah hum aage badhe aur pyar ke sath hum ek tyohar ko celebrate kare. And sabse zyada khana kya pasand karte ho iftari mein? Agar fruits ki main baat karu, which is your favorite food? Mujhe actually wo sharbat hota hai na, wo ek to I think itne der fast rakhne ke baad aapko itni zyada bhook nahi lagti, sabse pehle aapko kuch पीने का मन करता है, तो वो शरबत रूह अफजा डाल के, एक्चुअली टू बी प्रिसाइज रूह अफजा डाल के, और वो जो फलूदा डलता है उसके साथ मुझे बहुत मजा आता है। संदीप आप क्या कहना चाहोगे, किस तरह से आप जाते हो सेट पे, क्या कुछ होता है, अगर कुछ मेमोरीज आप शेयर करना चाहो? नहीं, सेट पे सिर्फ जाता हूँ देखने के लिए कि कैसे लोगों के साथ ये काम कर रही है, ठीक है, तो सिर्फ उतना तक ही मेरा काम रहता है। एक बार ही गया, दो बार ही गया, उसके बाद मैं कभी जाता नहीं सेट पे। पर अभी इस वाले बड़े अच्छे लगते हैं कि सेट पे मैं पहली बार आया हूँ और वो भी त्योहार के मौके पे आया हूँ, तो आई फील इट्स अ ब्लेसिंग। बट कभी भी ये कहीं पे भी शूट करती है, अगर इसका मुंबई में कहीं पे भी इसका शूट होता है, तो आई डेफिनेटली गो एंड की देख के आता हूँ कि किसके साथ काम करती है। और काफी फन लविंग लोगों के साथ ये रहती है, और ये आई थिंक ये अट्रैक्ट भी करती है ऐसे लोगों को, क्योंकि जिन भी लोगों के दिमाग में जितनी ज्यादा खुराफात होती है वो इसके साथ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और किस्मत देखो कि इसके साथ काम भी करने का मौका उन्हीं को मिलता है जो खुराफाती लोग ज्यादा होते हैं। वो लोग ईद के बारे में पूछ रहे थे। नहीं, ईद के बारे में, ईद के बारे में, दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ किसी सेट पे जिसने जब इसने लाइक संदीप नोज की आई बीन गिविंग इफ्तारीज ऑन ऑल माय सेट, लेकिन ये पहली बार मेरे साथ है। एंड मैं एक्चुअली इंसिस्ट कर रही थी कि प्लीज मेरे साथ चलो, आज कोई भी को एक्टर सेट पे उतने सारे है नहीं, पूरी टीम नहीं है, तो इट बी वेरी नाइस अगर आप ज्वाइन करो। तो ये पहले मना कर रहे थे, पर फिर कहते ठीक है मैं आता हूँ, मैं भी देखता हूँ कि इफ्तारी कैसे होती है सेट पे। तो कल ईद है, कितनी स्पेशल होने वाली है? आप आए हो भुवनेश्वर से, तो क्या कुछ तैयारी की है? बिरयानी बना रही हूँ मैं, कल ऑलरेडी सब कुछ प्रिपरेशन करके आई हूँ। इसने एक्चुअली संदीप ने पहले ही बोल दिया था कि मैं बिरयानी खाऊंगा, तो प्लीज मेरे लिए बिरयानी जरूर बनाना। तो मैंने कहा ईद है और तुमने बिरयानी की डिमांड की है, तो जरूर मिलेगी। एक ईद विश, एक साथ विश, एक साथ यस।
यू वांट टू सेलिब्रेट सभी 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 व्यूअर्स को ईद मुबारक नहीं कुछ नहीं 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 ठीक सभी व्यूअर्स को ईद मुबारक यस यस सेम नो ओके सो वेरी 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 हैप्पी ईद सबको ईद मुबारक मेरे प्यारे दर्शकों को फैंस को फॉलोअर्स को आशा करती हूँ कि आप सबकी ईद अच्छी जाए और आपके सारे घर वालों आपके सारे वेल विशर्स को बहुत सारा प्यार मिले लॉट्स ऑफ लव लव यू थैंक यू सो मच थैंक यू इधर इधर दिखाओ जैसे या थैंक यू भाई अब हटेंगे क्या